हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्टी ट्यून्स। आज हम बनाएंगे बेल का शरबत। ये एक कूलिंग और रिफ्रेशिंग इंडियन समर ड्रिंक है। उसके लिए लिया है मैंने बेल, जिसे इंग्लिश में स्टोन एप्पल भी कहा जाता है। शरबत बनाने के लिए उस बेल का यूज़ कीजिए जो बाहर से येलो हो चुकी हो, मतलब राइप हो। बेल का आउटर कवर यानी कि शेल काफ़ी हार्ड होता है, तो इसे ज़ोर से हिट करना पड़ता है तोड़ने के लिए। बेल को तोड़ने के बाद इसका पल्प निकालने के लिए एक स्पून लीजिए और इसे साइड्स पे अच्छे से अंदर घुमाइए। बेल के पल्प के अंदर जो उसके सीड्स होते हैं, उसके आसपास काफ़ी स्टिकी सी कवरिंग होती है, तो ये सब चीज़ बहुत बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए। शेल पे जो भी पल्प लगा है, ये भी स्पून से स्क्रेप करके अच्छे से सारा निकाल लीजिए। मैंने 4 बेल फ्रूट का पल्प लिया है, इससे लगभग 6 से 8 ग्लासेस शरबत बनेगा। बेल का शरबत बनाना बहुत ही ईजी है, आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। और हम बेल के शरबत को बना के 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। मैंने बेल के पल्प में 1 ग्लास पानी डाला है। अब हमने इसे अच्छे से मैश करना है ताकि इसके सीड के ऊपर की कवरिंग भी उतर के पानी में डिसॉल्व हो जाए। अब ये जो पल्प है हमारे पास, हमें इसे छानना पड़ेगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारे सीड्स और फाइबर्स हैं। इसको छानने के लिए मैंने एक सेपरेट बाउल में स्ट्रेनर लगाया है। अब इसको अच्छे से प्रेस करके हम छानेंगे। कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जूस इसमें से निकाल पाएँ ताकि कम से कम वेस्टेज हो। अगर ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा पानी फिर ऐड करके और छान लीजिए एक बारी। बेल का शरबत एक बहुत ही हेल्दी समर ड्रिंक है। इसमें विटामिन सी है, विटामिन बी है, और ये अगर किसी को डायरिया हो जाए तो रिकवरी में भी हेल्प करता है और स्किन इन्फेक्शंस को भी दूर रखता है। तो अगर आप गर्मियों में बेल का शरबत पियेंगे तो आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी और गर्मियों में होने वाली पेट की बीमारियों से भी बचे रहेंगे। बेल में नेचुरल स्वीटनेस होती है, तो इसके लिए हम इसमें चीनी थोड़ी कम ऐड करेंगे। साथ में डालेंगे नींबू का रस और काला नमक। इन सब की क्वांटिटीज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये जो मिक्सचर रेडी हुआ है, इसे हम 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी आपने पीना हो इसे डाइल्यूट करके पीजिए। इसे सर्व करने के लिए एक जग में लीजिए खूब सारी आइस, फ्रेश पुदीने के पत्ते, जो जूस हमने रेडी किया है वो, और साथ में पानी, और एक अल्टीमेट कूलिंग और रिफ्रेशिंग वे में टेस्ट और हेल्थ को एंजॉय कीजिए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।